Hey, what's up everyone? Welcome back to another brand new video. तो भाई आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई मोस्ट ऑफ द एडिटर्स आउट देयर अपनी वीडियोस को इतने ज्यादा एफिशिएंटली और इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से कलर करेक्ट कैसे कर देते हैं, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करके आप अपने मॉन्टाज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज कलर करेक्शन एक मॉन्टाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. एंड हाँ, आप अपने पीछे भी देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 कलर करेक्शंस किए इस सेम गेम प्ले पे, और वो भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर. और मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप कैसे कर सकते हो. सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कलर करेक्शन. सबसे पहले हम आगे PSCC के अंदर, यहाँ पे आपने जो रेजोल्यूशन लेना है वो 1920x1080 लेना है. एंड सबसे पहले आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई कैसी टाइप की कलर करेक्शन आपको चाहिए. यहाँ पे देखिए, कलर करेक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है डार्क टोन और एक होती है भाई वाइब्रेंट टोन. जो कि वाइब्रेंट टोन आपको समझ आ गया होगा मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स, डार्क टोन आपको समझ आएगा बहुत ज़्यादा डार्क. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रेफरेंस चाहिए होगी. रेफरेंस मेरा मतलब है कि किसी एडिटर का आपने स्क्रीनशॉट उठा लेना है वीडियो से, उसके कलर करेक्शन के हिसाब से ट्वीक करनी है अपनी कलर करेक्शन को. सो मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 रेफरेंस इमेजेस हैं. तो मेरे पास ये रेफरेंस इमेज है जो कि मैंने अपनी वीडियो से ली है, जिसका नाम है स्केरी डार्क. मैंने ये वाली कलर करेक्शन को नेम दिया स्केरी डार्क, क्योंकि भाई ड्रावनी डार्क है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट इम्प्रोवाइज द सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई ऊपर जो स्काई है हल्की सी वो ग्लो हो रही है, और नीचे जो है वो हल्का सा बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है. मतलब इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, बिल्कुल सटल सा डार्क है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू ग्रेडियंट, यू हैव टू गेट अ सिंपल सर्कल ग्रेडियंट जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला, एंड यू हैव टू कम हेयर. ठीक है, ये कलर पैलेट पर क्लिक करोगे तो आप ये वाले विंडो पे आ जाओगे, एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके हैव टू डू रिवर्स स्पॉट्स. रिवर्स स्पॉट्स करते क्या होगा, आपका रिवर्स हो जाएगा ग्रेडियंट. एंड यहाँ पे अभी आपने ब्लैक कलर देना है फिलहाल, इसको विनियट, एक विनियट टाइप चीज़ देनी है, एंड इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है. यू गॉट दिस विनियट टाइप चीज़. ठीक है, इसके बाद आपने जब आपके पास ये आ गया, यू हैव टू फेड इट इन अ सर्कल लाइक दिस. ठीक है, एंड अभी आप अगर रेफरेंस को बंद करोगे सो यू विल गेट दिस. बट यहाँ पे मैं बिल्कुल हक दिया एकदम, एक मिनट, आपने पहले इसको बंद कर लेना है, देन इसको फेड करना है क्योंकि भाई फिर ही दिखेगा. एंड सेम टेक्निक रिवर्स स्पॉट्स करके इसको हल्का सा फेड देना है. ठीक है, एंड ऊपर से फेड देना है, मतलब ऊपर से बिल्कुल हमने इसको घटा देना, क्योंकि ऊपर हमको विनियट यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाले कॉर्नर्स पे चाहिए. एक और एम्प्टी लेयर लेनी है, एक और ग्रेडियंट देना है. इस बार ये आपने ग्रेडियंट कैसे देना है वो देना है ऐसा. ठीक है, ऐसा सिंपल देना है, ऊपर हल्का सा लाइट आया यहाँ पे, एंड यू हैव टू चूज वाइट कलर ऑन बोथ एंड यू विल गेट वाइट कलर. ओके, ये हमारा हो गया इतना काम. इसके बाद आपने क्या करना है, आपके कैरेक्टर को ग्लो देनी है. चलो वो तो बाद में हो जाएगा. इतना काम करने के बाद आपने इन दोनों लेयर्स को अकेले अकेले सेव कर लेना है. जैसे ये एक विनियट है तो मैं इसको अलग सेव कर लूँगा एज अ PNG, एंड जो हमारी ऊपर वाली वाइट लाइट है उसको भी मैं अलग सेव कर लूँगा एज अ PNG. एंड इसके बाद चलते हैं अलाइट मोशन की तरफ. तो भाई अभी मैं बताता हूँ कि मैंने कलर करेक्शन के लिए अलाइट मोशन को क्यों चूज़ किया रैदर देन काइन मास्टर या किने मास्टर, जो भी बोलते हो आप. तो अलाइट मोशन में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड जो कलर करेक्शन ऑप्शन हैं वो काइन मास्टर ज़्यादा एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट है, तो मैंने अलाइट मोशन यूज़ किया. एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन प्लस 1600x1080p 60fps प्रोजेक्ट एंड क्रिएट कर देना अपना प्रोजेक्ट. इसके बाद अपना गेम प्ले लेना है यहाँ पे, तो मैं अपना रॉ गेम प्ले ले लेता हूँ जहाँ पे जो बिल्कुल रो है विदाउट एनी कलर करेक्शन. तो आप देख सकते हैं वी गॉट दिस. सबसे पहले हम इनबिल्ट ट्वीक्स करेंगे, तो आपने एड इफेक्ट में जाना है एंड यू जस्ट हैव टू सर्च ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. एंड यहाँ पे आपने ब्राइटनेस कमा देनी है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है. देखिए इतना सा करते ही हमारा स्केरी डार्क वाला काम जो है वो यहाँ पे होने लग गया, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने से. ठीक है, इसके बाद आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है आई थिंक एक्सपोजर गामा. ठीक है, विद स्टैंडर्ड सेटिंग्स एंड एक्सपोजर कमा देना है, गामा आपने बढ़ा देना है यहाँ पे. ठीक है, इससे क्या होगा, कलर्स थोड़े ऑफसेट हो जाएंगे. इसके बाद एक और यहाँ पे करना है आपने जिसका नाम होगा सैचुरेंस एंड वाइब्रेंस. ठीक है, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग्स में अप्लाई करके सैचुरेशन बढ़ा देनी है, वाइब्रेंस भी बढ़ा देनी है, इससे जो कलर्स ऑफसेट हुए थे वो दोबारा से सही हो जाएंगे. ठीक है, इतना काम अभी हमारा हो गया. सैचुरेशन ऐड करते ही आपने सैचुरेशन बिल्कुल कमा देनी है, मतलब इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना है, एंड वाइब्रेंस बिल्कुल बढ़ा देनी है. ये हमारा ब्लैक एंड वाइट वाला आ गया. इसके बाद आपने क्या करना है, एड इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कलराइज, स्टैंडर्ड सेटिंग्स अप्लाई करके कलराइज में जाके जो भी कलर आपको पसंद है वो आपने कर देना है. सो मैं एक डार्क ब्लू रखूँगा यहाँ पे, डार्क ब्लू रखूँगा.
आपने दोबारा से ब्राइटनेस से कॉन्ट्रास्ट में आना है, एंड अभी आपने ट्वीक करना है कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस को कमा देना है, कमा देना है क्या बोल रहा हूँ मैं, कम कर देना है। एक्सपोजर में जाके एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, गामा को कम कर सकते हो, एंड यू जस्ट गॉट दिस लाइक वेरी कूल लुकिंग एनिमेशन। अभी क्या करना है आपने, इसको डुप्लीकेट कर लेना है, यू जस्ट कैन डुप्लीकेट फ्रॉम हेयर। मैं भूल गया भाई, अलाइट मोशन चलाना, एंड ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके इसको अलग अलग ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपके मतलब कलर थीम को करे, मतलब कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना मेरी बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो आपने स्क्रीन लाइट एंड कॉन्ट्रास्ट डार्क एंड सब में जाके देख लेना है कि कौन सा कलर जो अच्छा लगेगा। तो मेरे यहाँ पे तो भाई ओवर ही हो रहा है काम, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई यूज गॉट दिस। इसके बाद आपको याद है PSCC में आपने विनियड बनाया था, वो आपने लेना है यहाँ पे, एंड डार्कन में जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे ऊपर वाली लाइट ली थी, इसको हम गॉड लाइट बोलते हैं, वो लेनी है, एंड इसको जो है ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके लाइटन में जाके लीनियर डार्ज कर देना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्लो डालेगी। ठीक है, ग्लो डालने के बाद हमने ऐड करना एक कैरेक्टर ग्लो, तो वो कैसे ऐड करेंगे, कलर फिल्म में जाएंगे, वाइट कलर करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे। यू हैव टू गेट ऑन द कैरेक्टर, द सर्कल ऑन द कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट, इफेक्ट ऐड करो फेदर वाला, फेदर वाला ऐड इफेक्ट किया, एंड फेदर को बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं हल्का सा। ब्लेंडिंग ओपेसिटी में गए, लाइटन में गए, लीनियर डॉज किया इसको, एंड वी हैव टू गो टू इफेक्ट अगेन, एंड यहाँ पे हमने ऐड करना है गॉजियन ब्लर। गॉजियन ब्लर ऐड करते ही हमने ब्लर को बढ़ा देना है, एंड यू गॉट योर कैरेक्टर ग्लो। तो गाइज ये हो गई मेरी फर्स्ट CC जिसका मैंने नाम रखा स्केरी डार्क। और एक बहुत बढ़िया बात है कि मैं भाई ये वाला प्रीसेट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, शायद तीनों CC का दे दूँ, या इस सिर्फ एक स्केरी डार्क का CC, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में रख देना, आपके CC हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट CC। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट CC। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करना है हमने, एंड यू जस्ट हैव टू गेट द रॉक क्लिप। सो मैं यहाँ पे रॉक क्लिप लेता हूँ, एंड इसके बाद बहुत ही ये वाली CC तो भाई बहुत ही ईजी है। आपने सिंपली जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, जो हमारा सेम सेटिंग्स रहेगा, ब्राइटनेस बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, बिकॉज एक वाइब्रेंट CC है, तो इसको हमने वाइब्रेंट रखना है। इसके बाद यू हैव टू गो टू इफेक्ट्स अगेन, एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है सैचुरेशन, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस सर्च करते ही सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड वाइब्रेंस भी बढ़ा देना है, सो इट विल गेट मोर कलरफुल। एंड ऑन द लास्ट आपने जाना कलराइज पे, एंड कलर्स पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास 3 presets आ जाएंगे। आई विल सजेस्ट कि आप इन presets को यूज़ करें, तो मैं फ्राइडे सनसेट preset को इसमें यूज़ किया था। तो इसको यूज़ करते ही भाई देखो बहुत ही ज़्यादा आपका CC जो वो रेडी हो चुका है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ नाउ कि आपने इसको डुप्लीकेट करना है, यू हैव टू ऐड अ ग्लो इन इट, गो ऐड अ ग्लो। ठीक है, ग्लो ऐड करते ही आपने जो है इस पे एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम होगा गॉजियन ब्लर। गॉजियन ब्लर ऐड करते ही आपने इसको जो ब्लेंडिंग है उसको लाइटन करके लाइट लीनियर डॉज कर देना है। भाई आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ओवर ब्लर हो गया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द रेडियस, इसको कम कर देना, फिर बोलने वाला था मैं, एंड यू हैव टू गो टू द गॉजियन ब्लर, एंड गॉजियन ब्लर को बढ़ा देना है। एंड ऐसे करते करते आपने रेडियस ग्लो को कम करना है, तो ग्लो बेसिकली द मेन, ओ भाई ग्लो बंदी हो गया यार, ग्लो यहाँ पे, हार्डनेस को कम करना है, रेडियस को बढ़ाना है, एंड यू ऑल्सो कैन डिक्रीज द ओपेसिटी। ठीक है, बिल्कुल सटल सा यहाँ पे ग्लो आ जाएगा अपने जो है फुल CC में। अभी बारी आती है भाई जो RGB स्प्लिट मैंने ऐड किया, वो मैंने कैसे ऐड कर दिया, हमें इसको डुप्लीकेट करना है, जिससे सारे इफेक्ट्स यहाँ पे डिलीट कर देने। एंड यू हैव टू गो टू इफेक्ट्स, हैव टू सर्च RGB स्प्लिट, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ RGB स्प्लिट को ऑन कर देना। एंड यू विल सी कि आपको यहाँ पे हल्का सा ऑलरेडी मिल गया है RGB स्प्लिट, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ ये कॉर्नर्स पे चाहिए, तो वो आपने कैसे करना है, यू हैव टू गो टू द सर्कल मेन्यू, एंड आपने एक सर्कल लेना है, इसको फुल बड़ा कर देना है इतने तक, एंड गिव इट अ वाइट कलर, देन गो टू इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट, एंड यहाँ पे फेदर आपने सर्च करना है, फेदर स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ फेदर डाल देना है। फेदर डालने के बाद आपने इन दोनों को एक साथ क्लिक करना है, एंड ऊपर देखोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, आपने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका बीच वाला पार्ट जो मास्क आउट हो जाएगा, एंड ये आपका ग्रुप एंड मास्क 1 यहाँ पे बन जाएगा। सो मैं इसको लेंथ के हिसाब से कट कर लूँ।
ठीक है। एंड इसको आपने एडिट ग्रुप में जाके आप इसको सिंपली एडिट भी कर सकते हो। सो मेरे को नहीं लगता है मेरे को एडिशन की ज़रूरत है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे RGB स्प्लिट के साथ हमारा जो है, मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने इसको नाम दिया मेडो RGB। एंड आपको ये वाला प्रीसेट भी डिस्क्रिप्शन में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। सर भाई अभी बारी आती है लास्ट CC की जो मैंने प्रेजेंट करी है, जिसका नाम है पर्प एस्थेटिक या फिर पर्प एस्थेटिक, जो भी आप बोलना चाहते हो। जैसे आप बोलते हो ना पारिवारी हो रही है, तो भाई वो क्रिंज बोल सकते हो आप। तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने क्लिप ले ली है, यू जस्ट हैव टू ऐड द सेम इफेक्ट्स। बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है मेरे को पता है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, बिकॉज दिस इज़ अ वाइब्रेंट कलर करेक्शन। यहाँ पे सैचुरेशन लेनी है एंड वाइब्रेंस लेनी है, सैचुरेशन बढ़ानी है, वाइब्रेंस बढ़ानी है। एंड इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है एड इफेक्ट अगेन एंड ऐड द कलराइज इफेक्ट। इन कलराइज में आपने सेम वो प्रीसेट्स में जाके मंडे मॉर्निंग प्रीसेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अभी आप देख सकते हैं मंडे मॉर्निंग में ये थोड़ा ब्लूइश हो गया। यू हैव टू सेलेक्ट अगेन कलराइज, एक और डालना है आपने। एंड यहाँ पे इसका कलर जो है वो पर्पल या पिंक, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। एंड ध्यान रखिए कि जो ये वाला कलराइज है ये इस इफेक्ट के ऊपर होए, तो ये वो ऐसे एस्थेटिक लुक बना देगा आपके इसमें। एंड यू हैव टू डुप्लीकेट द लेयर अगेन, मेक इट लीनियर डॉज एंड एड अ गॉशियन ब्लर टू इट। ओके, गॉशियन ब्लर ऐड कर दो और गॉशियन ब्लर को फुल बढ़ा दो। गॉशियन ब्लर को फुल ज़्यादा नहीं बढ़ाना, फुल बढ़ाने के बाद यू गो टू ओपेसिटी एंड डिक्रीज ओपेसिटी एंड यू विल गेट दैट पर्प एस्थेटिक लुक। एंड मेरे को लगता है इसका प्रीसेट आपको देने की जरूरत है, बिकॉज दिस कलर करेक्शन इज ईजी AF। मैंने फुल फॉर्म नहीं बोली, कई पेरेंट्स साथ में बैठे होते हैं। एंड या दैट्स अवर टू डेज एपिसोड, मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं, रिवील कर दी हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्रिक क्या है कि भाई यूज़ अदर ऐप्स टू क्रिएट CCs इन द मेन कंपोजिशन। मतलब अगर आप एक परफेक्ट CC बनाना चाहते हो, आपको PA CC भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको अलाइट मोशन भी यूज़ करना पड़ेगा एंड आपको और भी ऐप्स यूज़ करने पड़ेंगे जो आउट अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू कलर करेक्ट योर मॉन्टाजेस ऑन एंड्रॉयड मेरे हिसाब से। भाई मेरे को दूसरों का ओपिनियंस का नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो अपने मॉन्टाजेस ऐसे ही कलर करेक्ट करता हूँ। एंड अगर आप कलर करेक्ट करोगे तो प्लीज़ टैग मी ऑन Instagram, बिकॉज मेरे को पसंद है कि भाई आप मेरी वीडियोज़ देख के अपनी वीडियोज़ बनाते हो। एंड या That's about today's video. So guys, that is about today's video. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K। एंड हाँ, एक और बात बताने वाला हूँ कि ये जो ट्रिप्स मैंने बताई हैं कलर करेक्शन की, ये सिर्फ PUBG मॉन्टाजेस के लिए नहीं है, ये वैलोरेंट में भी यूज़ हो सकती हैं, फ्री फायर में भी यूज़ हो सकती हैं, COD में भी यूज़ हो सकती हैं। अगर आप यूज़ करोगे तो प्लीज़ मेरे को टैग कर दें Instagram पे @am-lit, अगर आपको नहीं पता मेरा Instagram हैंडल। एंड मेक श्योर टू ज्वाइन माई Discord सर्वर, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट GFX डिजाइनिंग Discord सर्वर इन इंडिया। एंड वहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स और भी हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे एंड आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलने वाले हैं मेरे सर्वर से, जो आपको बिल्कुल बेनिफिट करेंगे आपकी एडिट्स में। एंड हाँ, होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। AmLit signing out. Girls with the nails done.